So now let's see the question paper pattern of maths of standard 7th. Question number first है यहाँ पर fill in the blanks के form में जो आपको any 5 attempt करने हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है और पहला ही है आपको total interest is equal to आपको formula बताना है blank space into r upon 100. Then second है diameter d is equal to twice of what. Then circumference c is equal to formula आपको बताना है. Then area of rectangle इसका formula तो आपको फिफ्थ में दिया हुआ है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या किसका फार्मूला इससे क्या निकलता है. उसके बाद सिक्स है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इंटू हाइट स्क्वायर. देन सेवन्थ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. इनका आपको सभी के फॉर्मूले लिखना है. करेक्ट आंसर यदि आप लिखते हो तो निश्चित तौर पर जैसे कि यहाँ का अलर्ट आपको 10 मार्क्स किए गए आपको 10 मार्क्स मिल पाएंगे. देन इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग एनी 5 के फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 62.80 सेंटीमीटर टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.24 फाइंड इट्स डायमीटर. तो आपको फार्मूला पुट अप करके वैल्यूज आपको दी गई है आपको डायमीटर उसका निकालना है. उसी का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 25,000 एट द रेट ऑफ 8% परसेंट पर एनम फॉर 3 ईयर्स. यहाँ पर भी आपको यदि फार्मूला मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का तो निश्चित तौर पर आप फार्मूला डालकर वैल्यूज पुट अप करके आप उसका आंसर निकाल पाओगे. और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया. आपको एक स्क्वायर की साइड दी हुई है आपको उसका एरिया निकालना है. फोर्थ है देन इन अ सर्कल द सेंटर द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 110 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क. आपको मेजर आर्क का मेजरमेंट यहाँ पर PYQ जो है मेजर आर्क उसका आपको मेजरमेंट पूछा गया ये भी आप निकाल पाओगे. उसके बाद उसका पांचवा है इफ द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 5.6 एंड हाइट इज 4.5 व्हाट इज इट्स एरिया. आपको एरिया वहाँ पर बताना है. इस प्रकार से बहुत ही आसान प्रश्न है. हालांकि प्रश्न समझ लेना बहुत जरूरी होता है. यदि आपने प्रश्न को समझ लिया तो आपको फॉर्मूला मालूम है तो वैल्यूज डालकर आप सिंपली बेसिक ऑपरेशन के माध्यम से आंसर आप निकाल सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर एनी 4 आपको सॉल्व करने हैं. साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 11, 12 एंड 15 गिवन फाइंड आउट द वेदर दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट. तो आपको यहाँ पर एक आपको समझना होगा कि 11, 12 और 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या. यदि है तो यदि निश्चित तौर पर वो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा आप बोल सकते हैं. तो इसकी आप टैली करोगे वेरीफाई करोगे और उसके बाद आप बता पाएंगे कि भाई दिया हुआ ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है. उसका सेकंड है यूजिंग बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ राइस इज रुपीज 36,000 हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट. आपको 12 क्विंटल चावल की कीमत दी हुई आपको 8 क्विंटल जो है उसकी कीमत निकालनी है जिसमें आपको प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन लगानी है. उसका थर्ड है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है 3600 का. उसके बाद फोर्थ है इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. आपको 24 एक बेस दिया हुआ है ट्रायंगल का 7 उसकी हाइट है आपको हाइपोटेन्यूस एक्स की वैल्यू निकालना है. ये भी आसान है आप इसको निकाल पाएंगे. उसके बाद आखिरी प्रश्न इसका दिया हुआ है अ पेज ऑफ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 मीटर वाइड व्हाट इज इट्स एरिया. आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है कैलेंडर की आपको उसका एरिया निकालना है. तो इस प्रकार से बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं जिसको आपको समय भी भरपूर होता है. आपको एक बार क्वेश्चन का आंसर लिख लेने के बाद या आप सॉल्यूशन करते हैं आप मैथ्स का तो उसके बाद इतना समय होता है कि आप उसको टैली करके आप टैली करिए रिटैली करिए वेरीफाई करिए और उसके बाद ही आप अपना पेपर आप सबमिट कर पाएंगे. तो यह आसान पेपर होता है. एक क्वेश्चन पैटर्न है ये. इसमें इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे या ऐसे प्रश्न रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता. इसी से मिलते जुलते या इसकी वैल्यूज़ में भी चेंज करके इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो सकता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग एनी 2. आपको 3 प्रश्न दिए हुए आपको कोई भी 2 जो है उसमें से सॉल्व करने उसके लिए 2 के लिए आपको स्पेस दी गई है. हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में आपको अलग से आंसर शीट नहीं दी जाती यहीं पर आपको आंसर लिखने होता है. लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप डिमांड करोगे तो आपको निश्चित तौर पर उसके अलग से आंसर लिखने के लिए आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जा सकती है. पहला प्रश्न इसी का व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. आपको सबसे पहले उसका एरिया निकालना होगा जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है. उसके बाद फिर उसको आपको पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया हुआ रुपीज़ 1000
उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो निश्चित तौर पर उसका आंसर निकल आएगा। उसके बाद विजू एंड राजू टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 and 1,20,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस। दे सफर्ड लॉस ऑफ 20,000। हाउ मच लॉस डीड ईच ऑफ देम इनकर। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का आपको एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल दिया हुआ है 50,000 and 1,20,000 और इस प्रकार से उन्होंने बिजनेस चालू किया और आखिरकार उनको 20% लॉस हुआ। तो आपको ये निकालना है कि भाई हर एक को कितना लॉस हुआ। तो 20% के हिसाब से आप लॉस कैरी आप कैलकुलेट करोगे तो निश्चित तौर पर विजू और राजू इन दोनों का जो भी लॉस हुआ है वो निकल आएगा। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड ब्रेथ 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ 1.3 मीटर। आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। आपको एक जो मेटल शीट है वो कितनी लगेगी यदि आप उसका क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं इस हाइट का इस ब्रेथ का और वेट हाइट का तो आपको निकालना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है यहाँ पर जो सॉल्व द फॉलोइंग एनी टू। यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखने के लिए जगह कम यदि लग रही है तो आप अलग से सप्लीमेंट की डिमांड कर सकते हैं, आंसर शीट की डिमांड कर सकते हैं। प्रश्न पहला उसका अ रेक्टेंगुलर बॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड है ना। तो इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वेयर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल है ना। तो कुल मिलाकर एक रेक्टेंगुलर हॉल आपको दिया हुआ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है। उसके बाद वहाँ पर जो भी टाइल्स लगाने उन टाइल्स का साइज आपको दिया हुआ है। आपको पूछा गया यहाँ पर कि उस हॉल के लिए कुल मिलाकर कितनी टाइल्स लगेगी। उसका सेकंड उसका जय सीमा काजू एंड नीलू पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 रुपीज़ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ब्रिंग इन द प्रोपोर्शन 3:4:7:6। वॉट वॉज जय's एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%। हाउ मच प्रॉफिट डिड नीलू मेक। तो इस प्रकार से एक आपको प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए शायद सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको जगह ज़्यादा लगी। आप निश्चित तौर पर यहाँ पर इसकी डिमांड कर पाएंगे और आपको अलग से आंसर लिखने के लिए आंसर शीट भी मिलेगी। देन थर्ड है इसका फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आपको थर्ड में दो सब क्वेश्चन है वहाँ पर और दोनों एक समान ही है। आपको एक क्यूबॉइड का जो है सरफेस एरिया निकालना है और दोनों में आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। इस प्रकार से आप जो है वो उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है स्टैंडर्ड 7 का मैथ्स का और इसको आप सॉल्व करने के बाद निश्चित तौर पर आपके जो समय बचता है उसमें आप टैली रिटैली जरूर करें और उसके बाद ही पेपर सबमिट करें।